हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसे देखें और समय व्यर्थ नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 16, पेज नंबर 130 एनसीईआरटी। तो एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 दोनों आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं बात करूं इन दोनों एग्जाम्पल्स की, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो बेटा एक्चुअली आप ध्यान से देखें तो यार, यहां पे दो दो इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली मर्ज कर रखा है ना, एक साथ ले रखी है। ओके तो यार यहां से एक बात समझ में आती है कि हमने दो दो इनइक्वालिटी को ऑलरेडी सॉल्व करना सीखा हुआ है ना। ओके तो अब ये दो इनइक्वालिटी मर्ज कर रखी है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? देखो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इनको सेपरेट सॉल्व करूं और फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, हम दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको साइमल्टेनियसली करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ पूरा सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आपका मेन पर्पस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या होता है कि एक्स जो इसमें वेरिएबल है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बेसिकली, है ना। तो जब मैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहा होता हूं तो मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 6.1 में भी कि आपने क्या करना है कि इस वेरिएबल के साथ में जितने भी आप टर्म्स देख रहे हैं उन सबको आपने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, दैट्स इट, है ना। तो सबसे पहले मैं इस तीन को खत्म करना चाहूंगा। तो इस तीन को खत्म करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? एड 3 करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, -8 लेस देन इक्वल टू 5x -3। ओके तो +3 यहीं पे कर दें, तो यहां पे भी मैंने +3 कर दिया, लेस देन 7 और यहां पे भी मैंने +3 कर दिया। चेक कर लो भाई, 3 यहां पे भी ऐड हुआ है, यहां पे भी ऐड हुआ है और यहां पे भी ऐड हुआ है, चेक कर लो। क्योंकि ये आप, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा दो इक्वेशन मर्ज हो रखी है ना। ओके अगर आपको नहीं नजर आ रही तो देखो आपको मैं दिखाता हूं। देखो -8 जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? 5x माइनस 3 के। एक इक्वेशन ये है और जो 5x माइनस 3 है वो क्या है? वो लेस देन है 7 से। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज को मर्ज कर रखा है एक साथ, कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां से 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10, चेक कर लो। अब मेरे को यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे -1 आएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे x आएगा, लेस देन यहाँ पे 2 आएगा, चेक कर लो। तो बेटा यही तो मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सेट निकल गया कि मेरे को x की वैल्यू का पता चल गया। देखो सॉल्यूशन सेट क्या है, चेक कर लो भाई, सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूं मैं। ओके तो सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू या फिर बिलोंग्स टू, चलो इक्वल टू का साइन ना देते हैं, x जो है वो इक्वल है -1 से बड़ा, चेक कर लो, और उसके बराबर भी है बट 2 से छोटा। तो ओपन इंटरवल में भाई सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल आएगा नहीं आएगा, चेक कर लो। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि x क्या है तो हम उसको एज अ रियल नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट रहा होगा कि सर थोड़ा सा अगर अलग अलग करते तो कैसे करते, चलिए वो भी देख लेते हैं। यही है आपके सामने बेटा, अगर मेरे को x की वैल्यू निकाले तो मेरे को 3 हटाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, +3 करूंगा। देखो 8 +3 और क्या था, लेस देन इक्वल टू 5x -3 और यहाँ पे भी +3 कर दिया, चेक कर लो। इसको सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल, ये कैंसिल और यहाँ पे -5 बचा, लेस देन इक्वल टू 5x, चेक कर लो। अब 5 से डिवाइड किया तो -1 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो मुझे इट इंप्लाइज x की वैल्यू का पता चल गया कि x जो है वो बड़ा है और बराबर है -1 से। अब मैंने ये वाली इक्वेशन नीचे वाली, इसमें भी मैंने वही काम किया कि बेटा मेरे को अगर x निकालना है तो मेरे को इस 3 को खत्म करना होगा, तो 5x -3 +3 कर दिया, लेस देन 7 यहाँ पे भी +3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5x एज इट इज लेस देन 10 आ गया, चेक कर लो। अब 5 से डिवाइड करा है तो x इज लेस देन 2, चेक कर लो, ठीक है। तो मतलब मुझे कंक्लूजन मिल चुका है कि एक ये है और एक क्या है, x इज लेस देन 2। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो बेटा इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि -1 से बड़ी और उसके बराबर भी है लेकिन 2 से छोटी है। तो यही तो आएगा इसका आंसर जो पहले आया था, आई एम श्योर के बात समझ में आ गई होगी और आप भी जाने चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात तो मैंने कर नहीं दी इसमें, है ना।
तो चलिए फटाफट से कुछ नहीं करना अभी, रुको ये भी सब सॉल्व कर दो, इसको हटा देता हूं मैं। अगर आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी कर सकते हो, है ना, वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज इसको मैंने हटा दिया है। अब एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं जो कि सेम पेज 130 एनसीईआरटी है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं इस 2 को खत्म करना चाहता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। तो जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 10 हो गया और यहां पे क्या आ गया, 5 - 3x। और जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं तो ये 16 आएगा, चेक कर लो, आएगा नहीं आएगा 16। ओके, अब यहां पे मैं इस 5 को खत्म करना चाहूंगा। जब मैं इस 5 को खत्म करना चाहूंगा तो मैं 5 सबट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैंने 5 सबट्रैक्ट किया तो आप देख सकते हैं 5 - 5 - 3x < = 16 और -5। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, 10 में से 5 गया तो माइनस का 15 आ गया, 10 में से 5 गया नहीं मतलब -10 - -5 - 15 होता है ना। ओके, लेस देन इक्वल टू माइनस का 3x और लेस देन इक्वल टू 16 में से 5 गया तो 11, चेक कर लो, है ना। अब मेरे को -3 नहीं चाहिए बेटा, मेरे को -3 नहीं चाहिए, तो मैं -3 से डिवाइड करना चाहूंगा। तो -15 इज डिवाइडेड बाय -3। अब इस इनइक्वालिटी के साइन बदलेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय -3, इसके भी साइन बदलेंगे तो 11 डिवाइडेड बाय -3, चेक कर लो। तो माइनस से माइनस और 3 से 5 बारी में कैंसिल, -3 से -3 पूरे कैंसिल। तो यहां पे कितना आ गया, 5 आ गया बेटा, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। ओके, -11/3 मतलब आंसर तो मिल चुका है कि जो x की वैल्यू है इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इट इंप्लाइज -11/3 से बड़ा है x लेकिन 5 से बराबर और 5 से छोटा है x, है ना। ओके, एक बार मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद आंसर को चेक करता हूं। तो सॉल्यूशन सेट इज कितना होगा, x बिलोंग्स टू या फिर इक्वल टू, बात एक ही है, क्लोज इंटरवल में -11/3 से 5, 5 भी क्लोज इंटरवल में है ना, क्योंकि दोनों इंक्लूड भी है। लेट मी चेक फर्स्ट, तो -11/3 से बड़ा था x और 5 से छोटा था और 5 के बराबर भी था, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विच कैन बी रिटन एज दिस, और यही आपका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके दोनों तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि सेम पेज 130 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है बेटा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। देखो, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है फर्स्ट, और इनइक्वालिटीज आपके सामने लिखे, आगे कहता है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन पे भी आपने रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो देखिए हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लें, तो फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट, है ना, सो दैट इज 3x - 7 लेस देन 5 + x। अब मेरे को यहां पे x नहीं चाहिए तो मैं x सबट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड, तो 3x - x - 7 < 5 + x - x, ये कैंसिल और यहां पे 2x आ गया। ओके, अब मेरे को यहां पे -7 नहीं चाहिए बेटा, तो मैं +7 इसी स्टेप में कर दूं बोथ साइड, तो +7 कर दिया और यहां पे 5 था तो +7 भी आ गया, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। अब बचा क्या, 2x और लेस देन 7 + 5 = 12, है ना। ओके, मेरे को 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड भी कर दूं इसी स्टेप में, तो यहां पे 6 आ गया और यहां पे गया, तो x इज लेस देन 6, तो भाई पहला तो ये आपको मिल गया है। ओके, अब सेकंड इनइक्वालिटी देखते हैं। तो फ्रॉम, एक काम करते हैं इसका ना हल्का सा नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं इसको। तो देखो, यहां पे समवेयर यहां पे कहीं पे 0 होगा और यहां पे कहीं पे 6 होगा, प्लस का 6 है तो, और ये है, और इसने क्या बोला, x जो है वो 6 से छोटा है, छोटा है यानी कि इस तरफ आएगा आंसर, ये आएगा और जिसमें 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा होगा, है। ओके, ये आपका माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी होता है, ये तो पता ही आपको, है ना। अब फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड लेते हैं, फ्रॉम इनइक्वालिटी सेकंड, तो सेकंड इनइक्वालिटी लिया हमने, है ना, दैट इज 11 - 5x < 1, चेक कर लो, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब देखिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, मेरे को ये 11 नहीं चाहिए सबसे पहले, तो मैं क्या करूं, 11 सबट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड, तो 11 - 11 - 5x < 1 और -11, चेक कर लो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का 5x < -10, चेक कर लो। अब मेरे को 5 नहीं चाहिए और माइनस भी नहीं चाहिए, तो मैं -5 से डिवाइड कराऊंगा, और जब भी हम माइनस की वैल्यू से डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। ओके, तो माइनस से माइनस और 5 से 2 बारी में और -5 से -5 पूरा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड हमें ये मिल गया। अच्छा, इसका जो है सॉल्यूशन सेट इस तरफ लिख दूं मैं, मतलब पहले नंबर लाइन पे दिखा दो,
देखो ये आपके नंबर लाइन होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे क्या है, टू से बड़ा है तो समवेयर यहाँ पे कहीं पे जीरो होगा और यहाँ पे कहीं पे टू होगा, तो ये टू है। अब टू से बड़ा दिखाना है भाई, टू से बड़ा और टू के बराबर, तो टू के बराबर है तो इसीलिए इसको भी डार्क कर देंगे, है ना। और इसके टू से बड़ा यानी कि इस तरफ को शेडिंग हो जाएगी, ठीक है, चेक कर लो। ओके तो अब फ्रॉम वन एंड टू, भाई अब दोनों इनइक्वालिटी से कंक्लूजन निकालना है, तो फ्रॉम इनइक्वालिटीज वन एंड टू, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन सेट सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिखते हैं उसके बाद नंबर लाइन पे दिखाएंगे। देखो x के लिए दो से बड़ी है लेकिन छह से छोटी है, तो छह से छोटी है लेकिन दो से बड़ी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि छह से छोटी बट दो से बड़ी, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूं तो देखो मैं लिख के दिखाता हूं, इसने क्या बोला कि x जो है वो छह से छोटा है तो लेस देन सिक्स है, बट x जो है वो दो से बड़ा है तो दो से बड़ा और बराबर है x, भाई यही वाली बात है, चेक कर लो। अगर मैं कंक्लूड करके लिखता हूं तो यही बात है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो कितना होना चाहिए बेटा, दो और उसके बराबर लेकिन छह से छोटा, यही होगा भाई फाइनल कंक्लूजन, यही निकलेगा अगर मैं दोनों का देखता हूं तो मेरा सॉल्यूशन सेट मेरे को मिल गया कितना है बेटा, सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 2.6, बट 6 ओपन इंटरवल में 2 क्लोज इंटरवल में। अब मैं फाइनल कंक्लूजन यानी कि जो हमने नंबर लाइन पे दिखाना है वो दिखाते हैं। देखो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं थी, तो आपने इसको दिखाना है नंबर लाइन पे जो फाइनल आंसर होगा आपका माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, ये 0 हो गया और यहां पे कहीं पे 2 है, यहां पे कहीं पे 6 है और ये आपका ये इस तरीके से है, तो 2 को इंक्लूड कराया गया सॉल्यूशन में और 6 को इंक्लूड नहीं किया है लेकिन 2 से बड़ा बट 6 से छोटा, तो आपने ऐसे आंसर देना बेटा, ये है फाइनल आंसर। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं ना तो आप देखो यहाँ पे कहीं पे 2 से 6 तक ही तो पहुंच रहा है, क्योंकि 2 से लेकर के 6 तक पहुंच रहा है, चेक कर लो, है ना, समझ में आई नहीं बात, आई थिंक सो कि कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हें, है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप इनको कंक्लूड करते हैं, दोनों आंसर्स को कंक्लूड करके देखो जरा भाई, एक्स की वैल्यू यहां पे देखेंगे ध्यान से, x की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है बेटा, 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी और बराबर, भाई यही कहना चाह रहा है ना, x के लिए 2 से बड़ी है लेकिन 6 से तो छोटी है, तो 2 से बड़ी और 2 से बराबर बट 6 से छोटी, यही तो आंसर आएगा नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ गई होगी बात, है। तो चलो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन सेट यहां पे भी लिख देते हैं, सो देयरफॉर जो आंसर आने वाला है वो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 6, और इसका कंक्लूजन ये आपने कर दिया है। चलिए फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 19। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 19 जो कि पेज नंबर 131 एनसीईआरटी है। तो बेटा एक बात बता दूं, पहले 19 और 20 स्पेशली 20 एग्जांपल, 20th जो एग्जांपल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. तो बेटा आपको ये दे रखा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इन सेल्सियस में कितना है बेटा, ये इट इज गिवन के 30 डिग्री से बड़ा है सेल्सियस और इससे बड़ा है 35 डिग्री, ओके, यानी कि इनके बिटवीन है ना, इतना आपको गिवन है, ओके, आगे क्या कहता है, कहते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, आपने टेम्परेचर बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट का और उसकी रेंज बतानी है बेसिकली ना, तो इन कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय सी इक्वल टू, और आपको कन्वर्जन फॉर्मूला दे रखा है सी इक्वल टू 5/9, अच्छा मैं यहां पे नहीं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, ओके, तो सी इज इक्वल टू 5/9 और विद इन ब्रैकेट F-32, ओके, और वेयर सी एंड एफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली, दैट्स इट, है ना, ये क्वेश्चन है, ओके। तो देखो क्वेश्चन समझ में आया, आपको सेल्सियस में दे रखा है एक सॉल्यूशन कि इतने से इतने के बीच में, तो आपने फ़ारेनहाइट में बताना है कि कितने से कितने के बीच में होगा, यानी कि फ़ारेनहाइट की रेंज निकालनी है,
तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। यहाँ पे सी फोर सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और एफ फोर टेम्परेचर इन फेरनहाइट है ना। लेट मी चेक एक बार, यही है ना सब कुछ। बस दैट्स इट। ओके देखेंगे देखेंगे भाई, एक बात आओ, ये गिवन है, इसी का यूज करते हैं। तो 30 डिग्री से बड़ा है सी। अब सी क्या है? सी ए बेटा, सी यानी कि 5/9 और विद इन ब्रैकेट एफ माइनस 32। चेक कर लो, ये तो था कन्वर्जन फॉर्मूला, और इससे बड़ा है 35 डिग्री। दैट्स इट। अब आपको निकालना क्या बेटा? फेरनहाइट की रेंज निकालनी है। तो फेरनहाइट की रेंज अगर निकालनी है यानी कि एफ निकालना है, और अगर एफ निकालना है तो बाकी सबको खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं इस 5/9 को खत्म करना चाहता हूँ। तो 5/9 को भी खत्म करने से पहले चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ भाई। 5/9 को खत्म कैसे करो? 9/5 से इंटू करा दूं। तो चलो 30 × 9/5 से, है ना, लेस देन 5/9 को भी मैंने इंटू कराया 9/5 से, और विद इन ब्रैकेट एफ माइनस 32। चेक कर लो, लेस देन 35 इंटू कराया इससे 9/5 से। अब देखो 5 से 6 बारी में कैंसिल हो जाता है, और ये तो पूरे कैंसिल हो गया, और 5 से 7 बारी में ये भी कैंसिल हो गया। अब बता क्या बचा क्या बेटा? 9 × 6 कितना होता है? 54। ओके, इतने डिग्री इज ग्रेटर देन एफ माइनस 32 और लेस देन 9/7 = 63। चेक कर लो। अब बेटा मेरे को यहां पे क्या नहीं चाहिए? मुझे यहां पे 32 नहीं चाहिए, तो 32 सब्ट्रैक्ट करा दें। चलो 32 को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो 54 डिग्री माइनस 32 लेस देन एफ माइनस 32। नहीं सॉरी बेटा, 32 माइनस का है तो मुझे ऐड करना होगा ना हटाने के लिए, तो एडिंग कर रहे हैं 32 की। ओके, तो 63 और प्लस 32। चेक कर लो भाई, मैंने 32 को ऐड किया है ना, तो यहां से हट गया, डन। और दोनों को प्लस करें, 4 × 2 = 6 और 5 × 3 = 8, है ना, 5 × 3 = 8 होते हैं आजकल, बिल्कुल। ओके, तो एफ और 3 × 2 = 5 और 6 × 3 = 9 95। ओके, और ये क्या, ये तो आंसर आ गया। देखो ना, एफ की रेंज आ गई 86 से बड़ा, बट 95 से छोटा। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं पहले, है ना, आगे बढ़ने से पहले चेक कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, और बिल्कुल ठीक है। तो क्या है बेटा ये? इट इज 86 degree Fahrenheit and 95 degree Fahrenheit. Okay, एक बार चेक कर ले बेटा, 86 डिग्री फेरनहाइट एंड 95 डिग्री फेरनहाइट, बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी थी नहीं, एक्चुअल में बहुत इजी था, और ये कन्वर्जन फॉर्मूला था, ये आपको गिवन था, मैंने साइड में लिख रखा है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20th, जो कि पेज नंबर 131 एनसीईआरटी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझना आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन रीड करो, आप लोग ध्यान सुनेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ R12% सॉल्यूशन, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके पास ऑलरेडी क्या है बेटा, देखो समझते हैं, 600 लीटर है, कितने का? 12% का, है ना। तो यानी कि समझो देखो कि 600 लीटर ऑफ 12% एसिड, यानी कि बात समझ में नहीं आई। देखो कोई जार में 600 लीटर क्वांटिटी है जिसमें से 12% एसिड है, यानी कि 600 लीटर का 12% क्या है? एसिड है, बाकी लिक्विड यानी कि पानी मान सकते हैं, वाटर होगा, है ना। ओके, अब कहना क्या चाहता है, कहता है कि ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, यानी कि आपने इसमें एड करना है कुछ और सॉल्यूशन, कितने परसेंट बेटा जिसमें एसिड हो? 30% जिसमें एसिड हो, ठीक है। ओके, तो यहां से इसमें ऐड हम कर रहे हैं कितना, यहां पे 30% एसिड सॉल्यूशन है, यहां पे, है ना, 30% एसिड सॉल्यूशन है। ओके, 30% एसिड है ना। ओके, अब इसको समझते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, तो भाई कितने लीटर इसमें मतलब जिसमें 30% एसिड सॉल्यूशन हो वो ऐड करना है इसमें। तो मैंने मान लिया सपोज टू बी एक्स लीटर
ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं, है ना, मतलब एक्स लीटर क्वांटिटी और डाल रहे हैं जिसका एसिड सॉल्यूशन कितना है बेटा 30% है, समझ में आई बात, यानी कि 30% क्या है उसमें एसिड है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे कहता है, कहता है कि 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, ठीक है, इसमें एड गया है। फिर कहता है सो दैट, तो इससे बेटा क्या हुआ, इससे ये हुआ सो दैट एसिड कंटेन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। अब रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बनेगा बेटा, भाई पहले 600 लीटर था और उसमें एक्स लीटर और एड किया है, तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा, है ना, क्लियर है, तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर है आपका। ओके तो टोटल मिक्सचर तो ये इतने लीटर हो गया। अच्छा अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, कहता है कि एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट एसिड कंटेन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15 डिग्री, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो 15 डिग्री से ज्यादा होगा, विल बी मोर देन 15 डिग्री बट लेस देन 18 डिग्री, तो वो 15 डिग्री से तो ज्यादा होगा, है ना, सॉरी 15% मुंह से निकल गया बार बार डिग्री, तो इससे ज्यादा होगा बट 18% से लेस होगा। आई एम श्योर की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्या ये चीज क्या है बेटा 15% से ज्यादा और 18% से कम, टोटल मिक्सचर, है ना, टोटल मिक्सचर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था और आई एम श्योर कि क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप एक काम करो, आपसे पूछा था कि कितना आपने इसमें ऐड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं भाई क्या था 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन था ना, तो लेट एक्स लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, है ना, या फिर बी एडेड। हमने मान लिया कि हम x लीटर जो है, ठीक है, x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं। अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया बेटा, देयरफॉर टोटल मिक्सचर इक्वल टू 600 लीटर पहले था प्लस x, तो इतने लीटर हो गया, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई, पहले जो था वो था 600 लीटर 12% का, ठीक है, तो 12% ऑफ 600 लीटर, तो चलो प्रॉपर ही लिख देते हैं ऑफ 600 का, 12% ऑफ 600, और इसमें हमने प्लस किया था कितने 30% ऑफ एक्स लीटर, है ना, 30% ऑफ एक्स लीटर का। अब ये बात कहना चाह रहा था, ये एक बार और मैं पढ़ लेता हूं कि जब इसमें ऐड करेंगे तो 15% से ज्यादा होगा, मोर देन 15% बट लेस देन 18%, तो ये जो आया है ये 15% से ज्यादा है। अब ये 15% किस चीज का बेटा, टोटल मिक्सचर का, तो टोटल मिक्सचर क्या है, टोटल मिक्सचर आपके पास है 600 प्लस एक्स, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। मैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ता हूं और आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दोबारा से सुनेंगे, कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन, तो कोई मैन्युफैक्चरर है जिसके पास ऑलरेडी 600 लीटर है जिसमें 12% एसिड है, है ना, ऐसे समझो कि 12% क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। ओके अब वो ये कहता है कि इसमें कितने लीटर 30% एसिड सॉल्यूशन डालें, मस्ट बी एडेड, तो कहता है कि टू इट्स सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो आपको रिजल्टिंग मिक्सचर मिल रहा है वो क्या है कि विल बी मोर देन 15%, वो 15% से ज्यादा है, तो बेटा आपको जो मिल रहा है वो ये मिलेगा और ये क्या 15% से ज्यादा है। अब 15% से ज्यादा किस चीज का बेटा, टोटल का, है ना, टोटल का, और बट लेस देन 18%। ओके देखो कोशिश की है समझाने की, अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं आया है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, मैं बुक को साइड में रखता हूं और आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए भाई 12% का मतलब क्या होता है, 12/100 × 600, भाई मेरे को इसको सॉल्व करना है, प्लस 30% मतलब 30/100 × x इज ग्रेटर देन 15%, यानी 15/100 × 600 + x, चेक कर लो। ओके अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ जो है मतलब x की वैल्यू एक तरफ आ जाए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें जो इसमें कॉमन है, जैसे कि 100 से मैं इनटू कर सकता हूं तो सारे 100 खत्म हो जाएंगे, तो मैंने होल को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, 12 × 600 बचा, तो 72 और 20 एज इट इज, प्लस यहां पे कितना बचा 30x, भाई क्योंकि 100 तो मैंने मल्टीप्लाई करके काट दिया ना, समझ रहे बात को, इज ग्रेटर देन यहां पे 15 × 6, यानी 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 75 होता है, 15 × 6 = 75, 15 × 6 = 90 होता है, तो 6 × 5 = 30 का 0 कैरी हुआ, 3 × 6 = 3 = 9,
ओके तो 90 और 20 यानी कि 9000 और प्लस में 15x, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है 15 की टेबल में भी यार। चलो ठीक है ओके आगे देखते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, 15x नहीं चाहिए यहां पे है, तो मैं 15x को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं। तो 30x एज इट इज माइनस 15x है ये, ओके इज ग्रेटर देन 9000 प्लस 15x माइनस 15x। ओहो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है वाकई में, कोई बात नहीं लेकिन समझ में आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके तो देखो अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 15x, ओनली 15x ही बचेगा भाई, 30 में 15 आया 15 बचेगा। अब ये है कितना 7200 और मेरे को ये नहीं चाहिए है ना, तो मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं 7200 से और इज ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200 भाई, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से बचा 15x और इज ग्रेटर देन, और 9000 में से 7000 गया तो 2000 बचा और 2000 में से 200 गया तो 1800 बचा। चेक कर लो इतना बचेगा ना भाई, चेक करते हैं 0 पे 0 0 पे 0 और 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, बिल्कुल ठीक है। ओके अब 15 नहीं चाहिए तो 15 से डिवाइड करा दें बेटा इसी स्टेप में, 15 तो 15 से 15 कैंसिल, और 15 से अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना आ रहा तो मत करो, लेकिन 15 से कर दो यार इजी तो है। देखो 15 बचे 3 तो 15 230 और 0 का 0 यानी कि 120, तो x इज ग्रेटर देन 120 और क्या है ये लीटर में आएगा आंसर है ना, ये लीटर में आएगा। ओके बट ये तो कंडीशन फर्स्ट है बेटा, अभी सेकंड कंडीशन भी तो है क्योंकि इसने बोला था कि 15% से ज्यादा बट 18% से कम, तो वो वाली बात तो रह गई, तो वो वाली बात को हम कोशिश करें यहां पे थोड़ा सा स्पेस कम कंज्यूम करते हुए है, चलो ट्राई करते हैं। बट बिफोर दैट मैं इसको जरूर रफ करूंगा क्योंकि ये आपको समझा चुका हूं मैं, तो इसको मैं रफ करूंगा है। चलिए यहां पे देखेंगे अब हम, ओके मार्कर चेंज कर लेते हैं, चलो ओके अब देखिए ऑल्सो, अब इसने बोला था बट 15% से तो ये कम आएगा लेकिन 18% से, सॉरी 15% से ज्यादा बट 18% से कम आएगा, अब 18% से कम तो यानी कि यही सेम चीज लेकिन लेस देन 18% हो जाएगा, पर कितना आएगा तो सेम आप डिट्टो यहां से कॉपी कर लो, क्योंकि अगर पहली क्वेश्चन समझ में आ गई तो दूसरी में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ऑफ 600 और प्लस में 30% ऑफ एक्स और ग्रेटर देन की जगह लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स, भाई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये 15% से ज्यादा था लेकिन 18% से तो कम है, तो जब पहली समझ में आ गई तो दूसरे में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं, देखो 12% मतलब 12/100 इंटू में 600 प्लस में 30% मतलब 30/100 और इंटू में एक्स, ओके लेस देन 18% यानी कि 18/100 और इंटू में 600 प्लस एक्स, चेक कर लो। अब सभी को हम क्या करने जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके तो देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 72 यानी 7200 है ना, ओके प्लस 30x बचेगा ओनली, तो 30x और लेस देन यहां पे कितना बचेगा, ये तो कैंसिल यानी 18 × 6 तो 18 × 6 करेंगे तो 6 × 8 = 48 का 8 कैरी हुआ 4 और 6 × 6 = 10 = 108 यानी कि 18 × 6 = 108 होता है। ओके 00 एज इट इज 10600 प्लस में 18x, चेक कर लो भाई। देखो ना आपने 18 को जब 600 से मल्टीप्लाई किया 10800 और 18 को जब x से किया तो 18x आ गया है, और ये वाला 100 तो आपको पता ही है मल्टीप्लाइड बाय 100 किया था तो वो 100 खत्म हो चुका है। ओके अब देखिए आपको 18x नहीं चाहिए, चेक कर लो आपको 18x नहीं चाहिए, तो जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, लेस देन 10800 और प्लस में 18x माइनस में 18x, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये 18x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 7200 प्लस में 30 में से 18 गया तो 12 बारी बचता है ना आजकल, हाँ 12 बचेगा तो प्लस का 12x लेस देन 10800, चेक कर लो है ना बस। ओके अब मेरे को ये 7200 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं 7200 को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा बोथ साइड, तो लेस 7200 प्लस 12x और लेस देन 10800 लेस 7200, ओके चेक कर लो।
अच्छा ये तो बाय बाय हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली 12x बचा, और लेस 10,800 में से 72 हो गया, 10,800 माइनस 7,200, तो दो जीरो तो एज इट इज, 8 में से 2 गया 6 बचा, और 10 में 7 गया 3 बचा, 3,600 है ना, 3600, ओके 3600 चेक कर लो भाई, मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो आ रहा है मैं तो वही लिखा हूँ ना, ओके अब मेरे को 12 नहीं चाहिए तो 12 से डिवाइड कर दे, तो 12x/12 लेस देन 3600 अपॉन में 12, तो 12 से 12 कैंसिल और 12 से 3 बारी में और डबल जीरो एज इट इज है ना, ओके तो x इज लेस देन 300, ओके तो बेटा अगर आप यहां से देखें तो यहां पे कितना था, यहां पे था 120 लीटर से ज्यादा, मोर है ना, और यहां पे क्या है 300 से कम, 300 लीटर से कम, तो आपको निकालना क्या था कि x जो है कितने लीटर आप 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड करोगे इसमें, तो आप कितने लीटर ऐड करोगे बेटा, 120 लीटर से ज्यादा बट 300 लीटर से कम, एक बार आंसर चेक करते हैं, आप अपना आंसर स्टेटमेंट में छोड़े जो एनसीईआरटी ने बोल रखा है, आप उसी तरीके से छोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ओहो पेज लग गया, तो देखो इन्होंने एनसीईआरटी ने आंसर लिखा, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द 30% सॉल्यूशन ऑफ एसिड विल हैव टू बी मोर देन 120 लीटर, जैसे कि मैंने बोला मोर देन 120 लीटर, 120 लीटर से ज्यादा बट लेस देन 300 लीटर, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, द नंबर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन जो आपने ऐड करना है वो मोर देन 120 लीटर है बट लेस देन 300 लीटर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझाने की पूरी कोशिश की है आपको, और जो भी था बस यही था, आई थिंक सो कि इसके साथ आपका जो मिसलेनियस का इंट्रो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार ट्राई जरूर करें अपने आप से मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा आपसे डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका इंट्रो भी कंप्लीट कर लिया है ना, तो चलिए अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।